अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन नगेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये बहुत अच्छे बने थे। अगर आप सारे इंग्रेडिएंट्स इसी तरह से रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 1/2 kg बोनलेस चिकन, और इसके बाद है हमारे पास वाइट ब्रेड के 4 slices, उसके बाद हमारे पास रेड चिली है 1 teaspoon, पेप्रिका पाउडर 1 teaspoon, और इसके बाद है ब्लैक पेपर 1 teaspoon, और ऑयल आपने 2 tablespoon ले लेना है, और सोया सॉस 1 tablespoon। इसके अलावा हमारे पास है सॉल्ट 1 teaspoon, और या फिर टेस्ट जितना आपने रखना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 tablespoon। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने इसमें ले लिया है चिकन, और इसके साथ ही हमने ये ब्रेड के स्लाइसेस छोटे छोटे पीसेस में करके डाल देने हैं, और उसके बाद इसे ग्राइंड करना शुरू कर देना है। और उसके बाद ये जो है अब हम इसे ग्राइंड करने लगे हैं। तो ये ठीक तरह से हो गया। अब इसमें हमने रेड चिली डाल देनी है, ब्लैक पेपर डाल देना है, पेप्रिका डाल देना है, पेप्रिका पाउडर डाल देना है, सॉरी सॉल्ट डाल देना है, और उसके बाद जो है ना आपने इसमें डाल देना है सोया सॉस डाल देना है, जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डाल देना है, ऑयल डाल देना है, और फिर उसके बाद इसको दोबारा से ग्राइंड करना शुरू कर देना है। मैंने बाद में ऑयल थोड़ा सा शामिल किया था इसके अंदर, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखे जी, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल अब ठीक हो चुका है। इसके बाद जो है ना, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, 1 tablespoon मज़ीद थोड़ा सा ऑयल डाला था। तो इस तरह से ये इसकी जो शेप बन गई थी, बाद में मैंने शेप्स ऑफ कैमरा बना ली थी। इसके लिए हमें चाहिए 2 eggs और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एग्स में अपने मुताबिक ही सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल दिया था, तो आप भी अपनी मुताबिक जिस तरह से आप डालना चाहते हैं उस तरह से आप डालें। उसके बाद क्या करना है कि जो हमने शेप्स बनाई हैं नगेट्स की, उसको एग में डिप करना है। एग में डिप करने के बाद उसे ब्रेड क्रम्स में डिप करना है, और उसके बाद उसे फ्राई कर लेना है। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। इस तरह से इनकी शेप्स बन जाएंगी, और उसके बाद आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। फ्राई करेंगे तो उसके बाद जो है इसकी कुछ इस तरह की शेप आएगी, इस तरह की शक्ल होगी। तो डू ट्राई इट आउट एंड शेयर योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।